दुर्गा मैया आ गई जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं आप इस मौके पर? देखिए ऐसा होता है कि इंडिया में सितंबर के बाद एक से एक त्यौहार शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि गणपति जी गए, माँ आ गई और फिर कुछ ना कुछ और आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे कंट्री में एक ये सेलिब्रेशन का एंथुजियाज़म इतना ज़्यादा है कि सारे अलग अलग जो रिलीजन हैं एक साथ आते हैं फेस्टिवल्स में और यूनाइट हो जाते हैं, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आने का मौका मिला है और माँ के सामने उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला है और बजाने का, तो बस बहुत खुश है। इस मौके पे कौन सा ही गाना गुनगुनाना चाहेंगे? देखिए मैं जो बजाऊंगा अभी वैसे कुछ खास फिक्स नहीं किया, लेकिन जब स्टेज पे जाके जैसे एक बहुत ही खूबसूरत राग है जिसका नाम है दुर्गा, तो आज का जो ओकेजन है वो माँ के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ, राग दुर्गा जो मैं बजाऊंगा अभी, और एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक धुन है एकला चलो रे, वो भी मैं बजाऊंगा। आज सुबह सेन साहब ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक ट्रिब्यूट किया है पेंटिंग के द्वारा, आपने वो पेंटिंग का लुत्फ लिया भी है? मैंने देखी वो पेंटिंग्स और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कृष्णेंदु दा, क्योंकि इस लेवल पे यहाँ पे बॉम्बे में दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं, और साथ साथ में जैसे आपने कहा कि कोलकाता से पंडित भी आए हैं, चंडी पूजा भी हो रही है और पेंटिंग्स भी हुई जा रही हैं जो ऑक्शन होती हैं, प्लस इतना सारा म्यूज़िक होता है, संगीत होता है, तो आई थिंक ये बॉम्बे में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इन्होंने शुरू की है और हम चाहते हैं कि ये इसको कंटिन्यू रखें। सर लास्ट में आपने जो हुआ है टू लाइन हमारे दर्शकों में लेकर आप सुना सकें? आप मेरा जब मैं संतूर बजाऊंगा तो आप वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा और वो बजाएगा, ठीक है? दो लाइन दर्शकों को। अभी म्यूजिक बज रहा है ना साथ में तो जरा मुश्किल हो जाएगा, कुछ अलग किस्म का म्यूजिक बज रहा है। आप क्या उपवास रखते हैं दुर्गा पूजा का? मैं रखना चाहता हूँ लेकिन आज तक रखा नहीं है, कोशिश करूंगा कि अगले साल रखूं। देवेन देवेन अभी देखना, चलिए सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से।